आज की ये कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की जिन्होंने एक बिजनेस के फेल होने पर अपना उत्साह कम नहीं होने दिया, बल्कि दोगुने जोश के साथ फिर से बिजनेस शुरू किया। कहते हैं ना, इंसान अपने अनुभवों से सीखता है। अनुभव जीत का हो या हार का, हर अनुभव हमें जीवन की सच्चाई और जीवन के प्रति उत्साह सिखाता है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोलकाता के उद्यमी दंपति यश और अहाना अग्रवाल की, जिन्होंने एक प्रयोग के तौर पर बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस विफल रहा, लेकिन आज ये फैशन स्टार्टअप यूटी के बैनर तले सफलता की कहानी लिख रहा है। यूटी भारत का एक विशेष रूप से टाई डाई फैशन ब्रांड है, जो यश और उनकी पत्नी अहाना अग्रवाल की क्रिएटिव सोच का रिजल्ट है। गौरतलब है कि फैशन के एक क्षेत्र में उन दोनों की दिलचस्पी ने उन्हें व्यवसाय के मोर्चे पर भी एक सफल भागीदार बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपड़े की दुकान पर एक सुंदर पैटर्न बनाने के लिए रंगों को मिलाने की कला ही टाई और डाई कहलाती है। आज के दौर में युवाओं का रंगों के प्रति क्रेज देखकर ही इन्होंने अपने बिजनेस में हाथ आजमाने का सोचा और आज इनकी ये सोच सफल व्यापार के रूप में सबके सामने है। अपने पहले व्यवसाय में विफल होने के बाद उन्होंने अपना दूसरा व्यवसायिक उपक्रम यूटी लॉन्च किया। उन्होंने सबसे पहले एक वेबसाइट लॉन्च की और शुरुआत में अपने घर पर ही कपड़ों को डाई करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ ऑनलाइन कैंपेन के जरिए अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना शुरू किया। उनके अनूठे प्रोडक्ट रेंज में कॉर्ड सेट, मोजे, टोपी, तौलिए, हेडबैंड्स, सभी टाई डाइट को खरीदारों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यहीं से ब्रांड ने अपनी विकास यात्रा शुरू की। फैशन दुनिया में इनके ब्रांड ने बहुत से ग्राहकों को आकर्षित किया। यूथ की डिमांड और उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए अब अपने प्रोडक्ट्स में एक और कैटेगरी ऐड की है, वो है स्टार कन्वर्स शूज। जी हाँ, अब कंपनी ने स्टार कन्वर्स शूज भी लॉन्च किए हैं। आज के समय में हर महीने ये कंपनी 500 प्रोडक्ट्स बेच रही है। खास बात ये है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर इनकी वेबसाइट से आते हैं। दंपति ने ये भी सुनिश्चित किया है कि उनकी सोर्सिंग पूरी तरह से भारतीय विक्रेताओं से की जाए और वो अपने ब्रांड में पूरी तरह से मेड इन इंडिया की अवधारणा को बनाए रखें। उनकी ये कहानी वाकई में प्रेरणादायक है। उन्होंने पहली असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्पित रहे। आज उनकी सफलता हर यूथ, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।